नमस्कार, लाइव टीवी समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों से। भारतीय संस्कृति सभ्यता और आदिवासी नृत्य के बीच नव निर्वाचित मुखिया का किया गया भव्य स्वागत। बौंसी प्रखंड में 20 अक्टूबर को चौथे चरण का मतदान संपन्न हुए और पंचायत चुनाव का नतीजा शुक्रवार के देर रात तक जारी किया गया। मुखिया सहित अन्य पदों पर चुनाव परिणाम आने के बाद ही विजय प्रत्याशियों का उनके पंचायत में जोरदार स्वागत किया गया। रात हो जाने के कारण कई प्रत्याशियों का शनिवार को भी स्वागत कार्यक्रम किया गया। फूलमाला पहनाकर और गुलाल लगाकर नव निर्वाचित प्रत्याशियों का स्वागत किया गया। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की जीत की खुशी तो हर पंचायत और मोहल्ले में देखने को मिली, परंतु बौंसी प्रखंड के बभंगामा पंचायत में मुखिया के जीत के जश्न का नजारा ही कुछ और था। आदिवासी नृत्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ बभंगामा के नवनिर्वाचित मुखिया का अभिनंदन और स्वागत किया गया। सर्वप्रथम नवनिर्वाचित बभंगामा पंचायत के मुखिया बाबूराम किस्कू को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पुष्प की माला और गुलाल लगाकर बड़े ही हर्ष के साथ उनका अभिनंदन किया गया। वहीं बभंगामा के पूर्व मुखिया अश्विनी कुमार पांडे की पत्नी जगधात्री देवी के द्वारा नवनिर्वाचित मुखिया का विजय आरती और फूलमाला के साथ स्वागत किया गया। साथ ही पंचायत के अनुभवी राजनीति कार्यकर्ता और बड़े बुजुर्ग से मिलकर नवनिर्वाचित मुखिया ने आशीर्वाद लिया और आम जनता के साथ खुशी का इजहार करते हुए तस्वीर भी खिंचवाई। साथ ही अपने जीत पर पंचायत के सभी जनता का आभार प्रकट किया। वहीं इस बार पंचायत चुनाव में बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि बौंसी प्रखंड के 14 पंचायत में से 10 पंचायत में नए चेहरे के रूप में मुखिया प्रत्याशी जीत हासिल की, जबकि पंचायत समिति सदस्य में कई नई चेहरों ने बाजी मारी। लाइव टीवी समाचार के लिए उमाकांत शाह की रिपोर्ट। इसी स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन लाइव टीवी समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे लाइव टीवी समाचार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और होते रहिए हर खबरों से रूबरू। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।